पटना के पाटलिपुत्र इलाके के पीएन मॉल के ठीक पीछे कबाड़ी में आग लगी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसे आसपास के लोगों ने देखा और तुरंत अग्निशमन पटना के कंट्रोल रूम में इस आगजनी की सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के 4 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। दरअसल आगजनी की वजह दिवाली के पूर्व पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के अजीत कुमार ने बताया कि आग कचड़े के ढेर में लगी थी, जिस पर ससमय बुरी तरह से काबू पा लिया गया। इससे किसी तरह की धन या जन की हानि नहीं हुई है। यहाँ पर जिला नियंत्रण कक्ष पटना में सूचना मिला था कि केवाड़ी में आग लगा हुआ है, पाटलिपुत्रा में पीएन मॉल के पीछे, और जस्ट नाला के पीछे ही है ये जगह, और केवाड़ी ही है, जूते चप्पल है, इसमें अनेक प्रकार के केवाड़ी पड़े हुए हैं। बट अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया है और इससे आगे कहीं भी आग नहीं फैली है और कोई जान माल का भी नुकसान नहीं हुआ है। और अब इसको थोड़ा बहुत बच रहा है, जिसको कि डोजर के द्वारा उसको उलटवा करके फिर से पानी डाल दिया जाएगा ताकि पुनः आग ना शुरू हो। कितने दमकल की गाड़ियाँ पहुँची? यहाँ पर टोटल 4 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची है, 2 छोटी और 2 बड़ी, जिसमें 3 गाड़ियाँ काम की है। आग लगने का कारण कुछ स्पष्ट? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, अज्ञात है, लेकिन यहाँ पर अब होली का समय, सॉरी दिवाली का समय है, तो हो सकता है पटाखे उटाखे का कहीं से आ गया हुआ कोई चिंगारी वगैरह, तो उससे हो सकती है। पर्चे देंगे? मैं अग्निशमन पदाधिकारी पटना अजीत कुमार हूँ।